हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा का विशेष रूप से महत्व है। शास्त्रों में भी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन से जुड़े विशेष महत्वों का वर्णन मिलता है। ऐसी ही एक अमावस्या है कुशग्रहणी अमावस्या। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इसे देव पितृकार्य अमावस्या या पिठौरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष यह अमावस्या 2 सितंबर 2024 के दिन सोमवार को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन व्रत और अन्य पूजन कार्य करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। ये भाद्रपद मास की अमावस्या जो होती है कुशग्रहणी अमावस्या, कुशोत्पाथवनी अमावस्या या पिठौरी अमावस्या के नाम से जानी जाती है। इस दिन जो है ये पितृतर्पण आदि के लिए भी महत्वपूर्ण होता है और इस दिन कुशा जो है कुशघास कुशा को एकत्र किया जाता है और उस दिन ये इकट्ठी की हुई कुश जो है ये पूरे वर्ष भर प्रयोग में लाई जा सकती है। इस दिन तोड़ी गई कुशा जो है ये और इस बार जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण बन रही है क्योंकि ये सोमवती अमावस्या के दिन कुशग्रहणी अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या सोमवार पड़ रहा है उस दिन। ये दिनांक 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार को मनाई जाएगी इस बार और इसमें जो है कुशा इकट्ठा की जा एकत्र की जाती है। इस दिन ये मुख्य रूप से देव पितृ कार्यों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस दिन नदियों में स्नान किया जाता है और पितृ तर्पण आदि कार्य इस दिन किए जाते हैं। ये बहुत वर्षों बाद आया है क्योंकि सोमवती अमावस्या ही बड़ी महत्वपूर्ण होती है और यदि किसी पर्व विशेष के दिन अगर सोमवती अमावस्या हो जाए तो उसकी महत्ता कुछ और बढ़ जाती है। इस बार जो है इस अमावस्या को जो कह सकते हैं हम इसको कि सोमवती कुशग्रहणी अमावस्या। नैनीताल से तनुष पांडे की रिपोर्ट।